गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूरक समुच्चय के बारे में। और पूरक समुच्चय के बारे में जानने से पहले हमें जान लेना जरूरी होता है कि सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट क्या है। वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं यूनिवर्सल सेट क्या है, लेकिन फिर एक बार बता दूं, क्योंकि पूरक समुच्चय उसी के बिहाफ पर समझाया जा सकता है। तो सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट ये क्या चीज है, तो ये जानने के लिए आप यूं देखें कि हमारे पास एक सेट है U जिसमें अवयव है 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 11, 10 तक के मान, 1 से लेकर 10 तक के अवयव हैं इस यूनिवर्सल सेट U में। और यहां पर अपन एक और सेट A लेते हैं जिसमें मैंने 1, 3, 5, 7 लिखे, B दूसरा सेट लिया जिसमें मैंने 2, 4, 6, 8 लिखा, C तीसरा सेट लिखा जिसमें 2, 3, 5, 7 लिखे। आप देखें कि A, B, C में आने वाले जितने भी अवयव हैं वे सारे के सारे U में मौजूद हैं। तो अपन कहेंगे कि U इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करता है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय का काम करता है। तो सार्वत्रिक समुच्चय दिए गए उन समुच्चयों के लिए होता है जिनमें उपस्थित सारे अवयव उस सार्वत्रिक समुच्चय में भी दिखाई दे, बाकी एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम वो जो इन सेटों में अलग अलग सेट अपन ने लिखे हैं इनमें उपस्थित जितने भी अवयव हैं वो सब के सब उसमें एग्जिस्ट करने चाहिए। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अपन कह देते हैं कि राजस्थान के समस्त नागरिकों का समुच्चय ए मान लिया और भारत के समस्त नागरिकों का समुच्चय बी मान लिया और विश्व के समस्त नागरिकों का समुच्चय यू मान लिया, तो ए और बी सेट के लिए यू यूनिवर्सल सेट है कि ए के जो अवयव है वो भी यू में मौजूद है, बी के जो अवयव है वो भी यू में मौजूद है। इसलिए अपन ये कहेंगे कि यू उन दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय है। अब बात करते हैं किसी सेट का पूरक समुच्चय निकालना। जैसे हमारे पास सेट यू 1 से लेकर 10 तक के अवयव है और सेट ए दूसरा है जिसके अंदर अवयव 1, 3, 5, 7 दे रखे, और अब हम चाहते हैं ए का पूरक समुच्चय पता करना कि क्या होगा ए का पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय ए डैश से व्यक्त किया ए कॉम्प्लीमेंट, और इसको लिखते हैं यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट के साथ ए का अंतर समुच्चय पूरक समुच्चय कहलाएगा समुच्चय ए का। तो यहां पर यूनिवर्सल सेट में यानी सार्वत्रिक समुच्चय में अवयव 1 से लेकर 10 तक के हैं और इसमें से हम हटा रहे हैं 1, 3, 5, 7, ये 4 अवयव हटा दें तो कौन कौन से बच गए, 2, 4, 6, 8, 9 और 10, ये 4-6 अवयव इसमें बच जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक समुच्चय। तो किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होता है जो उन अवयवों से मिलकर बनाए जो यूनिवर्सल सेट में तो होते हैं परंतु उस दिए गए समुच्चय में नहीं होते। तो इस प्रकार का जो समुच्चय हमारा प्राप्त होता है उसे हम पूरक समुच्चय के तौर पर जानते हैं। अब इस पूरक समुच्चय के आधार पर अपन कुछ और निष्कर्ष भी ले लेते हैं। जैसे अपन ने यूनियन और इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ और सम्मिलन पढ़े हुए हैं, तो मान लें कि अपन यूनिवर्सल सेट को यू से व्यक्त कर रहे हैं और ए कोई दूसरा सेट है जिसका यूनिवर्सल सेट यू है। तो आप जानते हैं कि यदि अपन इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो खुद ए आ जाता है,
अभी आपने पढ़ा कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यू माइनस ए करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ए के साथ लिया जाए तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट अपना इससे आ जाएगा, इनका यूनियन करने से ए पूरक और ए खुद, यानी किसी भी समुच्चय में उसके पूरक समुच्चय का यूनियन किया जाए, सम्मिलन किया जाए, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट खुद निकल कर आता है। अब इन दोनों का यदि अपन इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ निकालने की बात करें तो चूंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ए में वो अवयव है जो ए डैश में नहीं है यानी इसके पूरक समुच्चय में नहीं है, तो इसका मतलब है इनका इंटरसेक्शन हमेशा फाई रहेगा, दूसरा कुछ बन ही नहीं सकता। अब किसी भी सेट के अंदर जैसे यूनिवर्सल सेट है, इस यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन फाई के साथ लें तो फाई बनेगा, क्योंकि किसी भी सेट के साथ रिक्त समुच्चय का इंटरसेक्शन लिया जाए तो हमेशा रिक्त समुच्चय ही प्राप्त होता है। ऐसे ही यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लिया जाए फाई का तो यूनिवर्सल सेट ही प्राप्त होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, कौन किसमें बदलता है अपन ने उस चीज को देखा यहां पर। अब अपन बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ पूरक समुच्चय के ऊपर आधारित है। इनकी बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन हमें क्या बताते हैं कि हमारे पास यदि दो सेट हो ए और बी, दो सेट है हमारे पास, तो इन दोनों का पहले यूनियन लें और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें। पहले ए और बी का यूनियन लिया जाए और फिर इसका पूरक समुच्चय ज्ञात किया जाए तो ये चीज किसके इक्वल आती है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इधर यूनियन तो उधर इंटरसेक्शन, ये कहलाता है अपना फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ। अब सेकंड क्या है अपने पास, दूसरे की भी बात कर लें कि द्वितीय क्या है। अब दूसरा लॉ है, ये तो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ये कहता है बस जस्ट इंटरचेंज दीज टू साइड्स, इन दोनों साइनों को आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो हम यहां कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यदि हमारे पास आ जाए तो वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों कहलाते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, जिनका अपन वेरिफिकेशन एक्सरसाइज में जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसके हिसाब से करेंगे। फिर आता है एक वितरण नियम, वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये वितरण नियम हमें क्या सिखाता है, वो भी सुने। जैसे हमारे पास है तीन सेट ए बी और सी, पहले बी प्लस सी को ऐड करके और बाद में उसका मल्टीप्लाई ए से करें तो ये चीज हमारे पास कुछ इस तरह से नजर आएगी ए बी, या यूनियन और इनके इंटरसेक्शन में ले लो, ए यूनियन और इंटरसेक्शन में ले लो, इसके हिसाब से ही बता देता, प्लस माइनस को छोड़ो यूनियन और इंटरसेक्शन में ही बताता हूं। ए यूनियन इनसाइड द ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी दे रखा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी सुनिए, पहले ए का यूनियन बी के साथ किया जाए, यानी यहां लिखे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पहले ये लिखना, फिर कौन सा साइन दिख रहा है इंटरसेक्शन का, तो यहां इंटरसेक्शन का साइन डाल दो,
फिर इसी ए का यूनियन करना है सी के साथ, ए यूनियन, ये अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब ये लेफ्ट हैंड वाली है, ये चीज अपन इधर भी डाल सकते हैं, तो वो राइट हैंड वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। तो इस तरह से वितरण नियम हमारे पास हो, तो हम डी मॉर्गन्स लॉ की पुष्टि भी करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, वितरण नियम की पुष्टि भी करेंगे, और इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो प्रश्नावली से सीखेंगे। अब अगली चीज अपनी आ रही है वेन डायग्राम, इन समुच्चयों को वेन डायग्राम के माध्यम से अपन किस तरह से दर्शाते हैं, लेट्स सी। वेन आरेख की बात करते हैं, वेन डायग्राम क्या चीज है देखते हैं। यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में हमेशा एक रेक्टेंगुलर फिगर में दर्शाते हैं, आयताकार आकृति में दिखाया जाता है। तो ये है अपना सार्वत्रिक समुच्चय U, ये U कहलाता है। एक आयत बना दें यानी एक रेक्टेंगल दिखाएं तो उसे यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, और जो बाकी के समुच्चय सेट्स हैं उन्हें सर्कल्स के रूप में दर्शाते हैं। यानी ये पहला सर्कल हुआ, ये दूसरा सर्कल हुआ, इसको सेट ए कहा, इसको सेट बी। तो ये अपना वेन डायग्राम। अब जैसे आपसे कहा गया कुछ चीजें दर्शानी है हमें, कि हमारे पास एक सेट है ए जिसमें अवयव आपने रखे 2, 3, 4, 5, 6, दूसरा सेट रखा मैंने बी जिसमें 3, 6, 9, 12, और एक यूनिवर्सल सेट रखा जिसमें 1 से लेकर 15 तक के अवयव हैं। ये यूनिवर्सल सेट, तीन समुच्चय ले जिनमें एक सार्वत्रिक है और 2 ए और बी। सबसे पहले अपन कहें कि सर ए इंटरसेक्शन बी को दर्शाइए, वेन डायग्राम में दर्शाइए ए इंटरसेक्शन बी यानी ए सर्वनिष्ठ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी दर्शाने के लिए ए के अंदर अवयव क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, इसका इंटरसेक्शन लेना है 3, 6, 9, 12, ये दे रखे हैं आप। अब आप इनमें से वो अवयव चुने जो दोनों में लिखे हुए हैं, और वो अवयव है 3 और 6, 3 और 6, ये दोनों अपने ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं। और अब इनको दिखाया जाता है इसमें वेन डायग्राम में, आप दिखाना चाहें तो कहां दिखाएंगे, इस जगह पर। यानी ये दोनों समुच्चयों का कॉमन रीजन है जहां पर अपन इन्हें दिखाते हैं। ये जो इंटरसेक्टिंग एरिया दिखाया गया, दोनों सर्कल जहां एक दूसरे को काटते हैं उसके अंदर कौन से अवयव लिखे जाते हैं, जो इनमें कॉमन होते उनको लिखते हैं। अब यदि केवल ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाना हो तो अपन किसी को सेलेक्ट कर देंगे, यह दर्शाएगा ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। ये इसके लिए, लेकिन अभी यदि अपने से कहा जाए कि ए यूनियन बी निकाले, तो आपने ए में अवयव देखे 2, 3, 4, 5, 6 और यूनियन कर रहे बी में अवयव देखे 3, 6, 9, 12, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, जितने तरह के अवयव आ रहे हैं सबको एक एक बार लिखना। तो ये लिखा 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 12, इनमें इतने अवयव नजर आ रहे हैं उनको एक एक बार लिख दिया सब, ये यूनियन कहलाता। अब मुझे इसको वेन डायग्राम में दिखाना, ये तो इंटरसेक्शन था,
अब मैं चाहता हूं कि इसी का यूनियन भी दिखाया जाए, तो ये मैंने डायग्राम बनाया। ए के अवयव कौन कौन से हैं जो कॉमन है, वो तो बीच में डाला हुआ 3 और 6, ये तो यहां। इसके अलावा ए में और कौन बचे, 3 और 6 के अलावा देखें तो 2, 4, 5 बचे, वो आप इधर देखेंगे 2, 4, 5 जो ए में ही है लेकिन बी में नहीं है, उनको इधर लिख दिया, साइड में लिख दिया खाली जगह। और बी में 3 और 6 के अलावा क्या दिख रहे हैं, 9 और 12, वो उधर बी की खाली जगह में डाल दो। ये अपना ए था और ये अपना बी था, ठीक है दोनों। अब इसके बाद में यूनिवर्सल सेट में तो 1 से 15 तक के अवयव थे, लेकिन हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 ही आए अभी तक, तो बाकी कौन कौन से बच रहे। 1 बच गया, इधर साइड में लिखो 1, सर्कल से बाहर, वृत्तों से अलग बाहर लिखना है लेकिन रेक्टेंगल के अंदर, तो 1 बच रहा है। फिर 2, 3, 4, 5, 6 तक लगाता है, 7 और 8 दिखाई नहीं दे रहे तो वो लिखो 7 और 8। इसके बाद में 9 आ गया, 10 और 11 दिखाई नहीं दे रहे तो वो भी लिख दीजिए जहां खाली जगह में। ये अपना यूनिवर्सल सेट है। अब आपको ए यूनियन बी का यदि वेन डायग्राम दिखाना है तो ए और बी से मिलकर जो ये अवयव बन रहे हैं दोनों सर्कल के अंदर लिखे हुए हैं, उसको पूरे को छायांकित कर दीजिए, साइडेड बना दो इस तरह से। ये कहलाएगा ए यूनियन बी। इसको इस तरह से देखा अपन। अब मान लीजिए जैसे आपसे कहा जाए कि ए माइनस बी दिखाइए, ए माइनस बी को बी वेन डायग्राम में दिखाइए, ठीक है जी। हाँ, तो अब अपना ए माइनस बी दिखाना है यानी अंतर समुच्चय दिखाना है ए और बी का, तो वो किस तरह से होगा देखते हैं। ए के अवयव 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से हटाने हैं बी के अवयव 3, 6, 9, 12। आप यहां देख रहे हैं कि ए में वो अवयव छांटिए जो बी में नहीं है, ए में तो है परंतु बी में नहीं है, ऐसे अवयवों का समुच्चय ए माइनस बी कहलाएगा। तो अपने पास 3 और 6 में इसके अलावा बचे 2, 4, 5 जो इधर भी नजर आए थे 2, 4, 5 के रूप में, जो केवल ए में है लेकिन बी में नहीं, तो इनको कहते हैं ए माइनस बी यानी ए माइनस बी का अंतर समुच्चय। वैसे ग्राफ में दर्शा रहा हूं तो अपन जानते हैं ये दो सर्कल अपने हैं और ए माइनस बी केवल वो इलाका बताना होता है जो ए में होता है बी में नहीं, यानी इधर 2, 4, 5 अपने लिखे हुए थे वो इसमें आ जाएंगे, इसे ए माइनस बी का वेन डायग्राम कहते हैं। और यदि बी माइनस ए निकालना होता तो बी के वो अवयव जो ए में नहीं है वो बनते 9 और 12, और उसका वेन डायग्राम बनाते तो 9 और 12 अपन इधर लिखते हैं, तो केवल बी वाले उस हिस्से को सैडेड करना होता है, छायांकित करना होता है जिसमें केवल बी के अवयव लिखे रहते हैं, ए के नहीं, ये वाला। तो ये दर्शाएगा बी माइनस ए यानी अंतर समुच्चय बी माइनस ए। तो ये बी माइनस ए का है अपना वेन डायग्राम, तो ये ए माइनस बी का हुआ, ये बी माइनस ए का हुआ, ये ए यूनियन बी का हुआ, वो ए इंटरसेक्शन बी का हुआ। तो वेन डायग्राम के माध्यम से भी हम प्रश्न को हल कर सकते हैं और डी मॉर्गन्स लॉ की पुष्टि भी वेन डायग्राम से की जा सकती है। तो ये इस तरह से अपना वेन डायग्राम के माध्यम से सवाल को समझाने का तरीका था, और ये सब तरीके अपन यूज करेंगे 1.5 में, परंतु आज नहीं कल। थैंक यू।